सहजन यानी कि ड्रमस्टिक सांभर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। लेकिन हम आपको बता देते हैं दोस्तों, सहजन जो है वो मांसाहारी स्रोतों से भी ज़्यादा पौष्टिक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। दूध, पालक, संतरे, केले, गाजर से कई गुना ज़्यादा पोषक तत्व सहजन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सहजन की सब्जी हमें क्यों खानी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हिमाचली हर्बल में अगर आप नए हो तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच। अब बात करते हैं सहजन से होने वाले फ़ायदों के बारे में। पहला फ़ायदा है, कमजोरी को दूर करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। दूसरा, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। अगला फ़ायदा है दोस्तों, आपको एनीमिया से बचाता है, खून की कमी से बचाता है क्योंकि आयरन का एक अच्छा स्रोत है। उससे अगला फ़ायदा है फर्टिलिटी के लिए। उससे अगला फ़ायदा प्रेगनेंसी के लिए क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड बहुत मात्रा में पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी में बेहद ही फायदेमंद होता है। आपकी मसल्स को स्ट्रोंग बनाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। सहजन खाने से बॉडी का वजन कम होता है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है बॉडी के अंदर से, वजन कम होता है। अर्थराइटिस की समस्या से परेशान हो तो सहजन खा सकते हो क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। पेट के अल्सर से ग्रसित हो दोस्तों तो एक चम्मच इसके पाउडर, इसकी पत्तियों का पाउडर लीजिए पानी के साथ, इसमें फ़ायदा होगा। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बेहद ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नहीं होता है। बीपी के लिए बेहद ही फायदेमंद है, बीपी से अगर आप ग्रसित हो दोस्तों तो इसकी सहजन की फलियों के अलावा पत्तियों का रस भी आप पी सकते हो। यह है सहजन के कुछ फायदे दोस्तों, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद है। यानी हम इसे बोल सकते हैं कि मौत को छोड़कर सभी रोगों की दवाई है सहजन, क्योंकि ये सब्जी नहीं दवाई है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आपके साथ एक ऐसी नई हर्बल वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।